सुना ना दो तब तक तुम्हारे पेट में खाना नहीं बसता। बड़ी आई इधर, बस बस करो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम दादी जी, कैसे हो बेटा? जीते रहो। अरे तुम अपने बाप की तरह निकम्मे बनते जा रहे हो, खेलते कूदते रहते हो, पढ़ते भी हो कुछ या नहीं? नहीं दादाजी, मेरे पढ़ने का तो पूरा इंतजाम हो गया है, बस एक लैपटॉप मिल जाए। बेटा लैपटॉप तो तुझे आज ही मिल जाएगा, बस अच्छी तरह से पढ़ाई करके 90% से ऊपर नंबर ले ले। अरे तुम चुप करो, लैपटॉप पे इसको फिल्में दिखानी है क्या? आजकल सिर्फ फिल्में ही नहीं देखते लैपटॉप पे, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है। अरे उस पे कैसे ऑनलाइन पढ़ाई होगी, आंखें खराब करनी है क्या इसकी? नहीं दादाजी, लैपटॉप पे आई प्रोटेक्शन लगाने से और स्क्रीन को 25 सेंटीमीटर दूर रखने से आंखों पे कोई असर नहीं होगा। अरे चुप करो तुम, हमारे जमाने में भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हुआ करते थे। हाँ सही बात है। अरे दादाजी अब उन्हीं स्कूलों में स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन टीचिंग होगी। अरे तुम्हारा मतलब क्या है कि अब सभी बच्चे स्क्रीन पे पढ़ेंगे और अपनी आंखें खराब करेंगे? नहीं नहीं दादाजी, ऐसा नहीं होगा। अरे तुम जानो, तुम और तुम्हारा डिजिटल जमाना, वो है ना पता है। जरा पानी लाना, देखा? धन्यवाद बिटवा। अरे तुम तो बिटिया हो, कोई बात नहीं। देखो रेखा बेटा, तुम्हारे पिताजी की याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इन्हें कुछ खाया खिलाया पिलाया करो। अरे सुना तुमने, तुम तो खुद को जैसे 16 बरस की लड़की समझती हो। बड़ी आई इधर। हाँ हाँ मैं तो जवान ही हूँ। अरे जाओ जाओ, बस कीजिए, मेरे को देरी हो रही है। अरे मैं पानी पी लेता हूँ। तुम्हारा तो आज JKS का इंटरव्यू था ना माता जी? अरे तुम गई नहीं अभी तक? रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए दही शक्कर ले आती। हाँ जाओ इसे दही खिला दो। नहीं नहीं माँ रुकिए, ये कुछ नहीं हो तो वो लेट हो रही है, जाओ। बस आ गया इधर, अब नहीं नहीं करने। सेल्फी माँ, एक सेल्फी लीजिए। आ गई सेल्फी लेने, बस डिजिटल। अरे बस करो बेटा तुम। लीजिए माँ जी। देखा तुमने, इस पे उम्मीदें थी, ये भी डिजिटल बन गई, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है बस।
सुरेखा जी, हाँ जी। लेट मेरा फोन आया है बेटा, बड़ी जल्दी लाए तो तुम्हारी बात होगी किसी से। नहीं ऐसा मत बोलिए पिताश्री, मैं अभी बात करके आती हूँ माता जी। हेलो बोल बोल रेखा, कैसा गया तेरा इंटरव्यू? बहुत अच्छा गया। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, घर कब आएगी? बस अभी आई रही थी जी, मैं घर वालों को खुशखबरी देती हूँ ये। पिताजी और माताश्री, रेखा का इंटरव्यू सफल रहा, वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है, जाओ जाओ मिठाई लेके आओ। देखा तुमने, मैंने कहा था ना वो जरूर हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ हाँ। अरे मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ रह गई। आओ आओ बेटा। आओ, अरे मुझसे ना उठ जाता है बेटा, आ जाओ तुम। अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें खुश कर दिया बेटा, वाह वाह, शुक्र है तुमने हमारी उम्मीदें सफल की। बहन आपकी सिलेक्शन हो गई। एक तू ही निकम्मा है बस, ये तो सिलेक्ट होगी, तेरा क्या होगा? निकम्मा नहीं हूँ मैं भी ड्रीम लेवल पे पैसे कमा रहा हूँ। अरे ये अब ड्रीम 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 ये क्या होता है ड्रीम इलेवन? अरे ड्रीम इलेवन, हाँ हाँ वही ड्रीम इलेवन है क्या? ये ड्रीम इलेवन ड्रीम लेवल पे पैसे कमाते? हाँ हाँ कमाते होंगे। देखा तुमने, हमें ना समझ आएगा ये डिजिटल विजिटल, आजकल के बच्चे भी क्या समझते हैं माँ बाप को पता। नमस्कार दर्शकों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस लड़की से जिसने GKS का एग्जाम क्वालिफाई करके अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता और अपने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। आइए चलते हैं और उस लड़की से बात करते हैं और जानिए कैसे उसने GKS का एग्जाम क्रैक किया है। आइए चलते हैं। आपको सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो क्या नाम है? मेरा नाम रेखा मकरू है। जैसे कि हमने सुना है कि आप एक बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करती हैं, तो ये आपने कैसे कर लिया? जी हाँ जी, मैं बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करती थी लेकिन अभी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत ही बैकवर्ड है, वो लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे मेरे और मेरे भाई में कोई भी फर्क नहीं रखा, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसलिए मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। इसके पीछे किस किस का हाथ है? इसके पीछे मेरे भतीजे हर्षु और मेरी बड़ी बहन सुरेखा का हाथ है। आइए बात करते हैं रेखा जी की माँ से, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी बेटी ने इतना बड़ा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। अरे माँ जी ऐसे नहीं, इसको सीधा पकड़ते हैं। हाँ हाँ हेलो। हाँ तो मैं कहना चाहती हूँ ये मेरा निकम्मा बेटा जो कुछ नहीं सामने को रहने दो। हाँ तो ये मेरा निकम्मा बेटा जो कुछ नहीं। अच्छा तो ये है मेरी बेटी जो बहुत होनहार है, इसने हमारा नाम रोशन किया, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो बात करते हैं हम रेखा मकरू जी के पिताजी से, तो आप क्या कहना चाहते हो अपनी बेटी के बारे में? अरे भाई देखो तुम, एक बेटा था हमारा, इस पे उम्मीदें थी, ये भी एक नंबर का निकम्मा निकला। हमारी एक बेटी थी वो भी डिजिटल डिजिटल करती रहती है, इसने हमारा नाम रोशन किया, बहुत खुशी हुई हमें, बहुत खुशी। तो जैसे कि रेखा जी बड़ी ही बैकवर्ड एरिया से थी और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन की उतनी सारी फैसिलिटीज भी नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने GKS का एग्जाम क्वालिफाई किया और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से। जी हाँ, इंटरनेट की वजह से हम बहुत से अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं, आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, पिन कार्ड लिंक करवा सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं और भी अन्य कार्य इसकी वजह से हम कर सकते हैं। जी हाँ, जमीन के कागजात, जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना अब डिजिटल इंडिया मुहिम की वजह से हुआ और भी आसान।
अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो, हमारी बेटी ने भी ये सब डिजिटल की वजह से किया है। जी हाँ माता जी, डिजिटल के बहुत सारे फायदे हैं। अरे हमें भी तो समझाओ, कैसे किया हमारी बेटी ने डिजिटल से ये सब। डिजिटल के माध्यम से हम बहुत से अन्य कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि हम आपने डिजिटल के माध्यम से क्या क्या किया? लॉकडाउन टाइम जो था वो एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा थी नहीं, हम तो ऑनलाइन सब कुछ, हम मेरे जैसे और भी कई युवा पीढ़ी थी जिन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ाई करके अपने फॉर्म फिल्स किए और एग्ज़ाम क्लियर किया। हम रेखा जी की कहने से हम सभी बच्चों को और सलाह दे सकते हैं कि वो भी डिजिटल के माध्यम से जेके एस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद।